पटना विश्वविद्यालय का चुनाव समाप्त होने के बाद जो है मतगणना का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मतगणना को लेकर के पटना पुलिस जो है पूरी तरह से व्यवस्थित है। आप जैसा देख पा रहे होंगे कि पूरा फोर्स बैठे हुए हैं और इस बार जो है किसी भी तरह का उपद्रवी तत्व को जो है इस बार पटना पुलिस बर्दाश्त करने नहीं जा रही। आप जैसा देख पा रहे होंगे कि सामने दंगा वाहन भी लगा हुआ। आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण से बता दें कि तीन लेयर में जो है ये बनाया गया है, ब्रैकेटिंग तीन लेयर में किया गया है। आप जैसा देख पा रहे होंगे कि जो पहला ब्रैकेटिंग है वो बांस से किया गया, उसके बाद फिर नेट लगा करके किया गया ताकि किसी भी तरह से उपद्रवी तत्व जो है वो काउंटिंग हॉल तक नहीं जा सके। आप जैसा देख पा रहे होंगे मैं मौजूद हूँ इस वक्त पटना आर्ट कॉलेज की ओर जाने वाली सड़कों पर। आप देख रहे हैं बाजाब्ता ब्रैकेटिंग लगा हुआ है, कुछ समर्थक भी आए हुए हैं। हालांकि समर्थकों का जो हुजूम होना चाहिए वो उस स्तर पे नहीं है, लेकिन फिर भी है पटना पुलिस किसी भी तरह से इस बार असामाजिक तत्व को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसको लेकर के पटना पुलिस पूरी तरह से सजग है। मैं आपको बता दूँ थोड़ी देर पहले पटना सेंट्रल SP विनय तिवारी पहुँचे थे, वो खुद काउंटिंग हॉल में जा कर के विधि व्यवस्था का जायजा लिया। मैं आपको आगे भी ले चलूँगा जहाँ पर मतगणना केंद्र बनाया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना के आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में। आप जैसा देख पा रहे होंगे ये आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज वही है जहाँ पे मतगणना का दौर जो वो शुरू हो चुका है। आपको बता दूँ कि मतगणना जो है वो 5 चरण में होनी है। पहले राउंड की गिनती जो है वो स्टार्ट हो गई है, हालांकि अभी तक रुझान नहीं आ पाया, रुझान आने में थोड़ा वक्त लगेंगे। वही मैं पटना पुलिस के बारे में बता दूँ तो इस बार जो पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरह से असामाजिक तत्व को, शरारती तत्व को बकसने के मूड में नहीं है। और आपको बता दूं कि 200 मीटर की दूरी पे जो है तीन ब्रैकेटिंग को बनाया गया। आप साफ देख पा रहे होंगे कि जो ब्रैकेटिंग है वो तीन लेयर में बनाया गया। पहला लेयर जो है वो बांस का है, उसके बाद जो है वो नेट लगाया गया है, मोटे मोटे जालियों से बनाया गया ताकि किसी भी तरह से असामाजिक तत्व जो है, शरारती तत्व जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज जो है वो जहां मतगणना चल रहा है वहां तक नहीं पहुंच सके। और आपको बता दें कि यहां पे हर दृष्टिकोण से जो है पुलिस तैयार है। आप एम्बुलेंस को भी देख सकते हैं, एम्बुलेंस के बाद मेरे पीछे जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगी हुई है। और इस बार बता दूं कि पटना पुलिस किसी भी तरह से असामाजिक तत्व को जो है बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हालांकि आज मतदान के दौरान जो है AN कॉलेज के समीप जो है वो हवाई फायरिंग की भी सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस जो है, पटना पुलिस जो है किसी भी तरह से रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसको लेकर के जो भारी मात्रा में जो है वो पुलिस बल की तैनाती की गई है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि पूरे जो रोड है आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज जाने वाला, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा गया। 200 मीटर की दूरी में तीन लेयर में जो है वो ब्रैकेटिंग की गई है ताकि किसी भी तरह से जो है असामाजिक तत्व, शरारती तत्व जो है वो आर्ट एंड कॉलेज जहां मतगणना चल रहा है वहां तक नहीं पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम कुमार के साथ मैं कोमल आर्या, रिपब्लिकन न्यूज पटना। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।